आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 12वां अध्याय वचन 17 से 28। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना और इस देश के लोगों से यूं कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इसराइल के देश के निवासियों के विषय में यूं कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा, बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इसराइल के देश में कहा करते हो, दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा और यह कहावत इसराइल पर फिर न चलेगी। तो उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं, क्योंकि इसराइल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, देख, इसराइल के घराने के लोग यह कह रहे हैं, जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, परन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।